न्यूज 18 के मेगा कवरेज लगातार जारी है। हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वोट परसेंटेज भी आपको बताएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर आज मतदान पांचवें चरण पर हो रहा है। जो बड़े लड़ाई हैं, लखनऊ की बात करें, अमेठी की बात करें, रायबरेली की बात करें, कैसरगंज सीट की बात करें, यहां पर भी अब बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिल रहा है। इन सबके बीच सबसे कम मतदान लखनऊ में, अमेठी में 27.2% मतदान वोट परसेंटेज अब तक का हम आपको बता रहे हैं। फैजाबाद में 29%, कैसरगंज में 27.9% मतदान अब तक का हुआ है। तो न्यूज 18 आपको वोट परसेंटेज बता रहा है। उत्तर प्रदेश में अब तक ओवरऑल 27.27% मतदान हो चुका है। तो यूपी में अब तक कुल मिलाकर 27.76% मतदान हुआ है। बाराबंकी में सबसे ज्यादा 30.60% मतदान हुआ है। बात लखनऊ की करें तो सबसे कम मतदान प्रतिशत यहां का है, 22.11%, 1% मतदान यहां पर हुआ है। तो ये वोटिंग परसेंटेज है, 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज, 11 बजे के आंकड़े आए हैं वो आपको हम बता रहे हैं। कौशाम्बी की बात करें 26.12% मतदान, बाराबंकी में 30.6% मतदान और बांदा में 29.25% मतदान अब तक हुआ है। नलिनी बिल्कुल और शिरम देखिए, जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, लेकिन जो जोश है जनता का वो बिल्कुल कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जोश भी बहुत ज्यादा हाई है। उम्मीद यही है कि जैसे जैसे धूप डलेगी मतदान फिर से और बढ़ेगा। ये ग्राफिक्स के माध्यम से हमने पूरी तैयारी की हर एक जानकारी आपको देने की। मोहनलालगंज सीट की देखिए, 28.52% मतदान मोहनलालगंज में। लखनऊ में सबसे कम मतदान फीसद अभी तक का 22.1% वोट यहां पर कास्ट हुए हैं। रायबरेली हॉट सीट, 28.10% मतदान यहां पर अब तक हुआ है रायबरेली की बात करें। वहीं साथ ही साथ अमेठी की सीट भी आ जाती है, 27.20% मतदान अब तक का वोट परसेंटेज क्या है अमेठी में वो हमने आपको बताया। जालौन की बात करें, 26.97% मतदान जालौन में अब तक का रहा है। झांसी में 29.82% मतदान झांसी में अब तक रहा है। तो एक एक करके वोट परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। हमीरपुर हो, झांसी हो, लखनऊ हो, अमेठी हो, रायबरेली की सीट, हमीरपुर में 28.24% मतदान, ओवरऑल 14 सीटों पर पांचवें चरण में मतदान हो रहा है। बांदा सीट पर 29.25% मतदान अब तक हो चुका है। तो लगातार न्यूज 18 आपको हर जानकारी दे रहा है ग्राफिक्स के जरिए, जैसा कि हमने आपको मतदान प्रतिशत बताया। और ये कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए, दिग्गजों ने जहां जहां पर वोट डाला है वो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो ये कुछ तस्वीरें जहां पर तमाम जो बड़े नेता हैं वो वोट डालने के लिए पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब पहुंचे वोट कास्ट करने, वो तस्वीर आप देखिए, स्मृति ईरानी, मायावती, और ये आप और देख लीजिए कुछ सेलिब्रिटीज जो वोट डालने पहुंचे, अक्षय कुमार, फरहान अख्तर, राजकुमार राव, परेश रावल, सानिया मल्होत्रा, जाह्नवी कपूर, सुनील शेट्टी और गोविंदा, इन्होंने भी मुंबई में वोट डाला है। तो अपने अपने बूथ पर पहुंचे मतदान करने के लिए और अपने मत का इस्तेमाल किया। ये कुछ और तस्वीरें आप देख लीजिए जहां पर स्मृति ईरानी, मायावती, बृजभूषण शरण सिंह और कैसरगंज से प्रत्याशी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, करण भूषण सिंह, ब्रजेश पाठक, श्रेया वर्मा, दिनेश प्रताप सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री भी यहाँ पर, साध्वी निरंजन ज्योति भी वोट डालने पहुंची, लल्लू सिंह और भानु प्रताप वर्मा को भी आप देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कौन कौन वोट कास्ट करने के लिए पहुंचा है चर्चित चेहरा। लेकिन इन सबके बीच लखनऊ में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद ने परिवार के साथ पहुंचकर वोट कास्ट किया है और इसके साथ ही उन्होंने लोगों को वोट करने की अपील भी की है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। तो लखनऊ में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद ने फैमिली के साथ पहुंचकर वोट कास्ट किया है, ये तस्वीरें देख सकते हैं। उन्होंने लोगों से मतदान की अपील भी की है। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि अपने बूथों पर पहुंचे, मताधिकार का इस्तेमाल करें। अभी मैंने अपनी फैमिली के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मैं सभी लखनऊ वासियों से अपील करता हूं कि इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जरूरी है, हर नागरिक का अधिकार है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए।